हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंदियाज फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट में मेरे साथ जोरों शोरों से तैयारी कर ही रहे हैं। एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसका पहले जवाब दे देता हूँ, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं कि सर एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ सकती है, बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। देखो अभी कोई भी भरोसा नहीं है, ईमानदारी से मुझे नहीं पता, ना ही किसी और को पता है, केवल AKTU वाले जानते हैं। ईमानदारी से देखो, सीधा सीधा जवाब, इधर उधर की बातें नहीं, AKTU वाले जानते हैं कि डेट आगे बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, और मोस्ट प्रोबेबली नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि ये यूजुअली जुलाई के अंदर हो जाते हैं सेकंड सेम के एग्ज़ाम, और ये तो अब जुलाई का अपना एंड आ गया है तो यूजुअली हो जाते हैं एग्ज़ाम, है ना। आप ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, सेमेस्टर लेट चल रहा है, कोविड के बाद से थोड़ा सा लेट, अब धीरे 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 रिकवर होता हुआ जा रहा है। हो सकता है अगली बार जब एग्ज़ाम हो रहे हो नेक्स्ट ईयर तो जुलाई के स्टार्टिंग में शुरू हो जाए सेकंड सेम के, है ना। तो ये तो खैर हम देखेंगे, आप में से किसी कोई देखे नहीं, किसी का कोई बैक ना आए, सब मस्त रहें, मजे से एग्ज़ाम अच्छे से जाएं। तो ये एक आपका कॉमन क्वेश्चन मैंने बता दिया कि अभी किसी का फिक्स नहीं है कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आगे नहीं बढ़ने वाले। फिर भी बढ़ जाए आपकी किस्मत, मैं आशा करता हूँ बढ़ जाए, लेकिन मैं जो है सच बात आपको बता दी। तो अपन तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर देते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तीन क्वेश्चन अभी तक अपन ने देख लिए डिटेल के साथ। अब ये देखिएगा, बहुत अच्छा है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विस। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सर्विस में होती है। सर्विस क्या होती है, बंदा गया हॉस्पिटल, डॉक्टर को देखा, डॉक्टर ने कुछ पर्ची लिखी, प्रिस्क्राइब करा, दवाई दी या उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, बंदा आया, उसने लैब में टेस्टिंग कराई, वापस डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने अब फिर दवाई दी और बंदा ठीक हो गया, मिस्टर पिंटू ठीक हो गए, बीमार हो गए थे अभी, है ना, थोड़ा बारिश गिरी, जुकाम आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुई, दिस इज काइंड ऑफ सर्विस। एजुकेशन इज द सर्विस, हेल्थ केयर इज द सर्विस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विस के अंदर पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं अपन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस के अंदर अब यहाँ से डॉक्टर ने उसको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी है। अब देखो इसको याद करा देता हूँ मैं, यहाँ पे डॉक्टर ने जो सर्विसेज दी है, है ना, क्या डॉक्टर से वो सर्विसेज अलग करी जा सकती, क्या डॉक्टर का नॉलेज लेके गए आप, क्या कोई प्रोडक्ट तो था नहीं कि डॉक्टर ने कहा कि ये प्रोडक्ट ले जाओ, है ना, प्रोडक्ट तो था नहीं। जैसे एजुकेशन है, मैं आपको यहाँ पर लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और मज़ा आए तो कभी कभी कमेंट भी कर सकते हो, मेरे से बातें भी कर सकते हो, लेकिन क्या जो नॉलेज अर्न किया गया है, जो मेरा 14-15 ईयर का एक्सपीरियंस है, क्या अपन इसको कैप्चर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, आप मेरे से इसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हो, हाँ ब्रेन अलग हो जाए तो अलग बात है, बाकी निकाल नहीं आ सकते। तो क्या होता है, इनसेपरेबल होता है, जो सर्विसेज होती है वो रेगुलर डिलीवर होती है लेकिन इनसेपरेबल होती है। यूजुअली जो सर्विस होती है वो इनटेंजिबल होती है, यानी कि अभी मैं आपको यहाँ पर लेक्चर्स दे रहा हूँ, शब्द तो कहीं यहाँ से दिख नहीं रहा, है ना, आपको वो सब टाइटल्स दिख जाते हैं, कैप्शंस दिख जाते हैं, लेकिन शब्द तो दिख नहीं रहे। तो ये बेसिकली इनटेंजिबल सर्विसेज होती हैं, इनसेपरेबल होती हैं। अब कुछ सर्विसेज जैसे टेंजिबल भी होती है, लाइक कि हेयर कट करा तुरंत पता चलेगा, है ना, आज हेयर कट कराना है वैसे, पर आज तो नहीं हो पाएगा, कल ही कर कोशिश, अपॉइंटमेंट कल की मिल पाएगी हमें भी, है ना, तो हेयर कट हो गया, ये क्या हुआ, उस बंदे के अंदर शो हो गया। टैक्स असिस्टेंट का काम हो गया, CA आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टैक्स फॉर्म फिल करने की, तो वो उसका काम दिखने लग गया, तो वो कुछ सर्विसेज टेंजिबल भी है, बेसिकली यूजुअली इनटेंजिबल होती है, इनसेपरेबल होती है, यानी आप मेरे से अलग करके वो सर्विस नहीं ले जा सकते। सर्विसेज वेरी करती है, वेरी यानी कि हर पर्सन टू पर्सन अलग होती है। मैं मेरी क्लास में 5 बच्चे होंगे या 50 बच्चे होंगे या 100 बच्चे होंगे, तो 100 के लिए सर्विसेज अलग होगी। मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को हम डिवाइड कर देते हैं एकदम क्रीम लेयर पे, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल बिल्कुल मेरे जैसे रहते हैं जिनको 2-4 बार में चीज़ें समझ में आती है, और कुछ और बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब एवरेज होते हैं, जब कभी समझ में आ भी गया कभी नहीं भी आ गया, ठीक है। तो सबके लिए ग्रुप अलग अलग होता है, सबके लिए प्लानिंग अलग अलग होती है, सबके लिए एजुकेशन का लेवल अलग अलग होता है। अगर मैं कहीं पे कोई फॉर्मूला लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसके तीनों क्लास के अंदर मेरे को सिमिलर पैटर्न के अंदर थोड़ा सा वेराइटी करनी होती है, यानी कि सर्विसेज क्या होती है, हर जने के लिए अलग अलग होंगी, वेरिएबल होगी। जो सर्विसेज ए को चाहिए वो सर्विसेज बी को उसी सेम क्वालिटी की नहीं चाहिए, ठीक है। सर्विसेज को चेक किया जा सकता है, मतलब कि आफ्टर सर्विसेज यू कैन, अभी अपन ने गैप मॉडल देखा था उसमें क्या कर रहे थे, सर्विसेज को चेक कर रहे थे। तो आइए एक बार अब इसके जो बुकिश कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर प्रकाश डाल लेते हैं, रोशनी डाल लेते हैं, तो अपन देख लेंगे कि सर्विसेज क्या है। सबसे पहला इनटेंजिबल होती है, दिखाई नहीं देती सर्विस, है ना, इनसेपरेबल होती है, आप मेरे से निकाल के नहीं ले जा सकते। वेरिएबिलिटी होती है, यानी कि हर बंदे के लिए सर्विस अलग अलग होती है, वेरी करती है।
पेरिशेबिलिटी होती है, सर्विसेज नष्ट हो जाती है, सर्विसेज नष्ट हो जाते हैं कि नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट नहीं है। लाइक के आज डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी, आज डॉक्टर ने आपका कोई डायग्नोसिस करा, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अगली बार अगर आपको सेम थिंग आई और फिर आप डॉक्टर के पास गए तो वो फिर चार्ज लेगा, है ना, मतलब 15-20 दिन के बाद वो फिर से चार्ज लेगा। क्यों? क्योंकि ये पेरिशेबल थिंग है। अगली बार जब आप जा रहे हो तो फिर से उसको डायग्नोस करना पड़ेगा, फिर से उसको सिम्टम्स चेक करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है जो 8वीं क्लास में बीमारी हुई थी, अगर वो 12वीं क्लास में हो जाए तो सेम गोली देके चलो भाई एज बदल गई है, डोज बढ़ जाएगा, सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, तो पेरिशेबल हो जाती है। वेरिएबल का ये मतलब नहीं कि आपसे ही, आपके अकॉर्डिंग आपकी एज ग्रुप भी बढ़ रही होती तो सर्विसेज वेरी हो जाती है। जैसे छोटे बच्चों को अगर पढ़ाना है तो उसकी सर्विस अलग होगी, मींस कि उसका एजुकेशन अलग काइंड का होगा, और जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा MBA लेवल का हो जाएगा तो उसकी एजुकेशन की क्वालिटी अलग हो जाएगी, उसकी थिंग अलग हो जाएगी, उसको पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अगर छोटे बच्चों में जाओगे तो थोड़ा रटन विद्या चलती है, बोल बोल के फोड़ना होता है, बोल बोल के समझाना होता है, मतलब उनसे भी बुलवाओ, ठीक है। तो हेट्रोजेनिटी भी सेम है कि डिफरेंट, वेरिएबिलिटी का पॉइंट बढ़ा दिया गया। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंस, होमो का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है। कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है सर्विस के अंदर, अधिकतर क्या रहता है मेरे अंदर भी क्लास में, अपन तो खैर ऑनलाइन बात कर रहे हैं और मैं आपको बार बार कहता हूँ, प्रमोट करता हूँ कि कमेंट करिए, शेयर सब्सक्राइब तो ठीक है करेंगे तो थोड़ा हमको भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कमेंट करने से क्या होता है कि हमारा एक पर्सनल बाउंडिंग बनती है। जैसे कि हमारे एक कुछ बॉयज़ के नाम लेते हैं, सनी साहब हैं हमारे, ठीक है, अमित हैं, ये मतलब रेगुलर कमेंट करने वाले बंदे हैं। बहुत सी लड़कियां भी हैं, जूही भी रही है हमारे कमेंट करने वाली, मतलब आपके जो सीनियर्स रहे 4SEM में, हर वीडियो पे कमेंट आप देखना, इनके जाके मिल जाया करेंगे, है ना। तो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इससे हमको हमारी सर्विसेज इंप्रूव करने का भी मौका मिलता है, और हम क्या चाहते हैं इससे कि आपकी भी लर्निंग हो रही होती है, क्योंकि सर्विस क्या है, टू वे प्रोसेस है। आप डॉक्टर को बोलोगे नहीं कि आपको क्या हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है कि सर में दर्द हो रहा है, तो वो डायग्नोस नहीं कर पाएगा सही से, है ना। आप उसको बताओगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो भगवान है नहीं, कोई भी हम भगवान है नहीं, हम तो बस पूछ सकते हैं कि समस्या क्या है। आप बोलोगे सर QTM में दिक्कत है, HRM में दिक्कत है, BM में दिक्कत है, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। अभी OM की बात करेंगे, QTM के भी इसी तरीके से डिटेल से बात होगी। कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट, टाइम बेस्ड सर्विस क्या है, पेरिशेबल है, उसके साथ टाइम बेस्ड ही है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सर्विस मिलती रहेगी। सर्विसेज क्या है, टाइम बेस्ड है। टाइम बेस्ड यानी कि 1 आवर 2 आवर्स, एक लेक्चर आपका डिलीवर होने के आया 1 आवर का लेक्चर हुआ, कोई सेशन आया तो 2 आवर्स 3 आवर्स का सेशन हुआ, तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए वो सर्विसेज अवेलेबल होती है, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डिलीवर्ड होती है ना, कि डॉक्टर ने कहा कि आज आप डायग्नोस करने आओ तो ये हम आपको 7 दिन बाद देख के बताएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आपको आज ही इलाज करना होगा, तो एक सर्विस हो गया। क्लियर हो गया है सारे के सारे पॉइंट्स? कोई पॉइंट में दिक्कत तो नहीं है? पेरिशेबल हो गई, टाइम बेस्ड हो गई, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट आ गया, वेरिएबल हो गई, इसके अलावा इनसेपरेबल हो गई, इंस्पेक्शन किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है उसको, ठीक है, और हेट्रो हो गई और इनसेपरेबल हो गई, यही सारी सर्विसेज है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज एक बहुत ही वाइडर टॉपिक है। बहुत सी बुक्स के अंदर मैंने, मतलब इसके अंदर 4 to 5 बुक में रेफर करता हूँ हमेशा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले, और सबके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, है ना। तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पे जॉट डाउन करा है। वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विस का मतलब ये होता है कि सर्विसेज कितने तरीके की होती हैं। तो जितने तरीके की सर्विस इंडस्ट्री है उतने तरीके की सर्विस होती है। जैसे हेल्थ केयर सर्विस इंडस्ट्री है, एजुकेशन सर्विस इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री है, टेलीकॉम सर्विस इंडस्ट्री है, इंटरनेट की आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके अलावा आपकी क्लीनिंग जो है वो सर्विस इंडस्ट्री है, उबेर का जो है वो सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, उबेर ओला स्विगी जो है, जोमेटो जो है वो सर्विस इंडस्ट्री है, फूड डिलीवरी की सर्विस इंडस्ट्री है। तो ये बेसिकली जितने काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री उतने काइंड्स ऑफ इसका क्लासिफिकेशन है। लेकिन इसका मोटे मोटे तौर पे जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल इनटेंजिबल क्या है कि कौन सी सर्विस दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। एजुकेशन दिखाई दे रहा है, हेयर कट, सॉरी एजुकेशन दिखाई नहीं दे रहा है, हेयर कट दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, बच्चे में इंप्रूवमेंट हो रहा है तो एजुकेशन भी दिखाई दे रहा है। तो समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके दिल से बोल देना, हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो एक बार बता देना, ताकि मैं और अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड करा सकूं। पीपल बेस्ड है और एक एक बेस्ड है। पीपल बेस्ड सर्विस यह है कि साइकोलॉजी की सर्विस हो गई कि सर बहुत तनाव में रहते हैं आजकल। वैसे ये तनाव की समस्या बहुत से बच्चों में हो गई, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 30% स्टूडेंट्स इससे सफ़र कर रहे हैं आज के। अगर आप बोल नहीं पाते हैं, है ना, मतलब बहुत से बच्चे हैं बोल नहीं पाते हैं, गर्ल्स तो स्पेशली, जिसमें बोल नहीं पाती कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया फैमिली में, ऐसा हो गया, पिताजी ने ऐसा कह दिया, पड़ोसी के हमारे 4 नंबर ज़्यादा आ गए, हमारे पड़ोसी के, हमारे छोटे भाई के हमसे ज़्यादा नंबर आ गए, तो पिताजी ने हमको धुनाई कर दी, ठीक है।
अब हमारे तो शुरुआत से कुटाई होती ही थी इस मामले में, ठीक है। हमारी सिस्टर ज़्यादा इंटेलिजेंट थी तो ज़्यादा नंबर ले आती थी, तो हमारी कुटाई हो जाती थी। तो पर ठीक है, हम भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए। तो पीपल बेस्ड इक्विपमेंट बेस्ड, तो ये बात आपको समझ में आई गई, क्योंकि पीपल बेस्ड सर्विसेज यानी कि हम कोई पीपल को प्रोवाइड करा रहे हैं, और इक्विपमेंट बेस्ड सर्विसेज यानी कि कोई मशीन, लाइक के रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग हो गया, एसी रिपेयरिंग हो गया, फ्रिज रिपेयरिंग हो गया, ये वाली बात। एक थोड़ा सा मैंने मार्मिक यहाँ पर आपको छेड़ दिया, लेकिन बात तो सही है। देखो स्ट्रेस वाली बात तो आप भी एग्री तो करोगे इस बात पे, है ना। प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल, कोई प्रोफेशनल बंदा पढ़ा दे जिसके पास डिग्री हो, क्वालिफिकेशन हो, जो पर्टिकुलर सर्विस में एक्सपर्ट हो, तो प्रोफेशनल सर्विसेज। नॉन प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल नहीं है लेकिन वो काम वो कर लेता है। जैसे कि एक मैकेनिक, एक तो आप शोरूम में से गाड़ी सही करा रहे हो, वो प्रोफेशनल सर्विस हो गई, और बाहर के बंदे ने ज़्यादा अच्छे से सही कर दी, वो नॉन प्रोफेशनल सर्विस हो गई। अब ज़्यादा अच्छे से करी या ना करी, लेकिन उसके पास कोई रिकॉग्नाइज डिग्री नहीं है तो वो नॉन प्रोफेशनल हो गया। मेन डिफरेंस भी यही होता है प्रोफेशनल में, एक रिकॉग्नाइज ट्रेनिंग के थ्रू वो निकले हुए होते हैं। MBA इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक रिकॉग्नाइज डिग्री है, एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एक रिकॉग्नाइज टाइम फ्रेम में, और एक स्किल में एनहांस होते हैं, होंगे ना भाई। मार्केटिंग, HR, OM, IB किसी के अंदर तो एनहांस होंगे, कम्युनिकेशन कहीं तो बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल, पीपल इक्विपमेंट, टेंजिबल नॉन टेंजिबल। आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस और कस्टमर। जब कोई बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज दी जा रही है, लाइक कि अभी जैसे कि हमने वेबसाइट लॉन्च करी, आपको पता है, तो हम भी एक बिजनेस है, तो अगर हमको कुछ उसके अकॉर्डिंग, और उसमें रोजर पे का गेटवे है, तो रेजर पे है ना, रेजर पे का गेटवे है, तो उसमें हमको जो सर्विसेज मिल रही है वो बिजनेस सर्विसेज हो गई। अगर कोई कस्टमर को सर्विस दे रहा है कोई बंदा, तो वो कंज्यूमर या कस्टमर सर्विस आ गई। कस्टमर भी लिख सकते हो, कंज्यूमर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू टाइप्स, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमने मोटे मोटे चार तौर पे सबको डिवाइड कर दिया। इसके अलावा ये भी याद ना हो आपको, तो मैंने जितनी इंडस्ट्री के नाम आपको बोले, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस, इन सब के नाम लिख के चार चार लाइनें भी लिखाओगे तो भी यही आंसर है डिफरेंट बुक्स में। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।